हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दिस इज योर फिजिक्स टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर. डियर स्टूडेंट, द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब और आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेस. सो आवर टुडेज टॉपिक इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्फेरिकल सर्फेस. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे स्फेरिकल सर्फेस लिखा हुआ है और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब मीडियम तो ट्रांसपेरेंट होगा ही, राइट? स्फेरिकल सर्फेस का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है, मान लीजिए ये आपके पास ग्लास स्फीयर है, ये ग्लास का एक स्फीयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, हमने यहाँ से कुछ पीसेस कट कर लिए इस तरह से, ठीक है, या मैंने यहाँ से इतना कट कर लिया और यहाँ से कट कर लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास कुछ शेप इस तरह से बन जाएगा, राइट? या हमने इसी सर्फेस को कुछ इस तरह से कट कर लिया, है ना, या इसी सर्फेस को हम लोगों ने जो है इस शेप में कट कर लिया, लाइक दैट, इस शेप में क्या कर लिया, कट कर लिया, तो ये जो सरफेस बना, तो ये दोनों बेसिकली सरफेस जो है इनका हम नाम रखते हैं. ये जो सरफेस होता है जो कॉर्नर पे थिन होता है और सेंटर में थिक होता है, ऐसे सरफेसेस को हम लोग कहते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को हम लोग कहते हैं, या ऐसे ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्विक्स. और ये जो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, उनको एक स्पेसिफाइड नेम देते हैं हम, उनका नाम हम लोग रखते हैं लेंस. क्या नाम रखेंगे बेटा? लेंस नाम रखेंगे, ठीक है. अब इसको लेंस क्यों कहते हैं, इसको हम आगे बात करेंगे, इसको लेंस हम क्यों कहते हैं. इसी तरीके से ये जो शेप बना है, जो सेंटर में थिन है और कॉर्नर पे थिक है, तो ऐसे सर्फेसेस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस. क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. हम लोग लेंसेज में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है इसकी बात हम लोग करेंगे. उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या होते हैं, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे. तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे. जैसे हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. सेकेंड हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे. थर्ड हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. ये सारे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है बेटा. तो ये 3 टर्म का मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में होता क्या है. जी, ये आपके पास मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेकर के चलते हैं. इस कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे कि आप यहाँ पर 2 स्फेरिकल सर्फेसेस हैं. तो अगर मैं यहाँ से इसको कटआउट कर दूँ तो इसमें 2 स्फेरिकल सर्फेसेस है, एक स्फेरिकल सर्फेस इधर की तरफ है और एक स्फेरिकल सर्फेस इधर की तरफ है. तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, इसका जो सेंटर होगा, इसे हम लोग नया नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर. क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. और जबकि जब आप लोग मिरर का केस पढ़ रहे थे, वहाँ पे उसके सेंटर को पोल कहते थे. क्या कहते थे? पोल कहते थे, कर्व के पोल, उसको पोल कहते थे. यहाँ पे इसको हम लोग नया नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर. और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो पैलर एक्सिस होगी, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहते हैं इसको हम लोग? दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर. अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा फॉलो होगा. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि साइन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ये बात आप समझते रहिए. और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब एक रे की लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो क्या करती है? वो अपने पास से बेंट हो जाती है, या अपने पास से रिफ्रैक्ट हो जाती है, या अपने पास से डेविएट हो जाती है. इसी को आप लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो पहला रूल तो यही हो गया कि जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो जो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा. दूसरा ये होगा कि जो इंसीडेंट रे जो होगी, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों जो होंगी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्लेन सरफेस के लिए भी अप्लीकेबल है, एज वेल एज स्फेरिकल सरफेस के लिए भी क्या है, अप्लीकेबल है. तो अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. तो अब प्रिंसिपल फोकस की थोड़ी बात कर लेते हैं. तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 कर्व सर्फेसेस हैं तो इसमें 2 फोकस भी होंगे. अगर इसमें 2 कर्व सर्फेस हैं तो उसके 2 फोकस भी होंगे. अब ये डिपेंड करता है कि इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा. ये डिपेंड करता है कि रे किधर से आ रही है. हम एज्यूम करते हैं कि रे जो है हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में आती है. तो कोई भी रे जब लेफ्ट डायरेक्शन से आती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या करती है, क्योंकि अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगी, डेंसर में जा रही तो मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद ये जा करके किसी एक पॉइंट पर मीट करेगी.
मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस इट गेट कन्वर्जेस टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये जाकर के मीट करेगा इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. क्या कहते हैं इसे हम लोग? दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. सिमिलरली हम लोग कॉनकेव के लिए भी देख सकते हैं. अब देखिए क्योंकि ये जो है रे की डायरेक्शन में, मैंने आपको साइन कन्वेंशन जो वहाँ पे मिरर में हम लोगों ने यूज़ किया था वही सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी देखेंगे. रे की डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए कॉन्वेक्स के लिए जो प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. जबकि वहाँ पे आपने मिरर वाले केस में देखा था कि वहाँ नेगेटिव हो रहा था. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है. इस लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा. अब इसके ऑप्टिकल सेंटर के पैलर जो रेज आएंगे तो देखिए एक कर्व ये ऐसे है तो ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. लाइट को ऐसे मोड़ेगा और लाइट इस तरह से जाएगा. ठीक है. लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है. तो ये कहीं आगे जा करके नहीं मिलेगा तो इसे आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रॉबैक करना पड़ेगा. पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं और ये पॉइंट पे जा करके यहाँ पे मिलता है. तो ये देखो ये जो है फोकस है. ठीक है. तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल ये वाला कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. क्या कहलाएगा? ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा. यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो राइट टू द लेंस होता है ना, और कॉनकेव के लिए जो फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस वो लेफ्ट टू द फोकस होता है. तो इसलिए जो है कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी. और इसके लिए कैसी होगी? पॉजिटिव. आगे बात समझ में? ये चीज़ें हैं. अच्छा एक चीज़ यहाँ से और समझ में आती है कि जब पैरेलल रेज आती हैं और रिफ्रैक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो आप देख रहे हैं ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर रहा है? ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का काम कर रहा है. मतलब लाइट को एक पॉइंट पे मिला दे रहा है. इस वजह से जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखने वाली बात है. कभी कभी मन मार्क्स में पूछ लिया जाता है. कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस. क्या कहते हैं बेटा इसको? हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस ना देकर के आपसे पूछा जाएगा कि कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है और उसमें ये चीज़ें निकालें. इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम देख रहे हैं कि लाइट की रे इस तरह से आ रही है और ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है. ये फैल रही है लाइट, है ना. ये लाइट अगर डाइवर्ज हो रही है, अब कहेंगे सर डाइवर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा. तो अब ये ऐसे रह जाएगी. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से इस केस में हमें समझ में आता है कि जो इसका फोकस होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि लाइट को ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है. लाइट को ये क्या कर रहा है? फैला रहा है. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस. क्या कहते हैं इसको? हम डाइवर्जिंग लेंस इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है बेटा. तो कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, ये बात आपके समझ में आ गई होगी. अब बाकी के जो भी इमेज के फॉर्मेशंस हैं, जो भी टर्मोलॉजी है, वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो अब इसमें हम आगे जो है इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं कि किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है इसमें. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस से. मैं बार बार मिरर बोल रहा हूँ, हम लोग बेसिकली लेंस की बात कर रहे हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है इसकी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की लेंस से जो है इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा. ठीक है. ओके सो लेट मी सी दैट रूल्स. तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से देख लेते हैं. इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. हम लोग जो है किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन को देखेंगे इसके लिए सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स हमें स्टडी करने होते हैं. अगर वो रूल आपको पता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कह लीजिए या इसे आप कन्वर्जिंग मिरर कह लीजिए. क्या कहते हैं आप इसे? कन्वर्जिंग मिरर. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया. ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेंटर होता है लेंस का वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है. लेकिन जब आप लोग मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो उसका सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम पोल कहते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इसमें समझते रहिएगा. तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. पहचान क्या है कि जब आप इसे टच करेंगे तो उसके सेंटर में थिक होगा और कॉर्नर पे क्या होगा? थिन होगा. तो सेंटर में थिक होगा और कॉर्नर पे क्या होगा? थिन होगा. तो ऐसे इसको देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि कैसा मिरर है ये, कैसा लेंस है ये. ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब भी कोई राइट, पहला रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी कोई राइट लाइट की रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. या प्रिंसिपल एक्सिस है ये. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस से जब वो रिफ्रैक्ट होगी
तो आप देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया नॉर्मल, ऐसे तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये जा करके प्रिंसिपल फोकस पे कहीं पर मीट करती है। सो सिंपल सा रूल आप याद रखिए, व्हेन अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट, वो क्या कर देता है लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल सेज दैट कि अगर आपके पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब कोई कह रहा है कि कोई लाइट की रे इस तरह से आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास हो रही, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई, तो दो रूल हमने पढ़ लिए। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होकर के जा रही, दैट्स मीन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो थर्ड रूल हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो थर्ड रूल में देखिए क्या कह रहा है, इसके लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। थर्ड रूल के लिए हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए, ताकि एक ही प्लेन में आ जाए, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सके। तो रूल थर्ड देख लीजिए, रूल थर्ड ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और कह रहा है कि ये इसका फोकस है, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इधर वाले फोकस को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वाले फोकस को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लाइट की रे किधर से आ रही है। अगर लाइट की रे इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से होकर जाएगी, तो प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा, और सेकेंडरी फोकस कौन कहलाएगा, F1 कहलाएगा। और अगर लाइट की रे इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से होकर जाएगा, तो ये प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर के आ रही है, ठीक है बेटा। तो फोकस दोनों तरफ हो सकता है, सेम डिस्टेंस पे होगा, इधर भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, इधर भी डिस्टेंस पे होगा, ऑर्डिनरी जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 12th में जाते हैं तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कोई लाइट की रे, थर्ड रूल ये कहता है, अगर कोई लाइट की रे जो है वो फोकस से होकर के जा रही है, जो आपके पास ये फोकस है, अगर मान लो जैसे अभी हमने देखा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होना होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब ये तीन रूल अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे आप अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग कहाँ कहाँ पर इमेज को रखेंगे जिससे कि इसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और सॉरी लेंस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें इमेज को रखना होता है, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस दैट, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी या एक्सिस होगी, जो अर्थ के क्या है, पैलर है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू कॉल दैट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके दोनों तरफ फोकस होते हैं, फोकस दोनों तरफ क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है कि दोनों सर्फेसेस कैसे हैं, कर्व है। तो अगर इस कर्व का फोकस मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा, और इस कर्व का फोकस निकालूंगा तो ऐसा आएगा। अब क्लास 10 तक मैंने आपको जैसा कि बताया कि क्लास तक हम लोग सिमेट्री को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि दोनों तरफ के कर्व जो है एक जैसे हैं, तो दोनों तरफ की पोल से डिस्टेंस क्या होगी, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। इधर वाले को हम मान लेते हैं F1, और इधर वाले को मान लेते हैं हम दिस इज नोन एज द F1 एंड दिस इज नोन एज द F2। अब अगर लाइट की रे इधर से आएगी तो ये प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, और लाइट की रे इधर से आएगी तो ये वाला प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इधर से लाइट आ रही है। इसका टू टाइम पे जो होता है सेम वही प्रोसेस है, वहाँ पे मिरर में हम लोग उसको कर्वेचर कहते थे, यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे 2F1। क्या कहेंगे बेटा, 2F1 कहेंगे, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा 2F2, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर ओ रहेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, सबसे पहले हो सकता है ये ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रखूँ तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम देख लेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि मैं 2F2 के बियॉन्ड रखूँ, 2F2 के बियॉन्ड रखूँगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनेगा। उसके बाद हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखूँ, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। इसके बाद हो सकता है मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखूँ, तो इमेज का फॉर्मेशन मैं देखूँ कहाँ पर हो रहा है। इसके बाद ये हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दूँ, F1 पे रख दूँ, तो इमेज का फॉर्मेशन हम देखेंगे। और सबसे लास्ट वाला केस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दें, F1 और O के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंडरी फोकस के बीच में रख दें, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये कुल मिलाकर के 5 to 6 केसेज हैं जो वहाँ पर आप लोगों ने कॉन्केव मिरर के लिए देखा था। यहाँ पे वो केसेस आप किसके लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए।
तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बिल्कुल से जो मिरर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल से लेंस का उल्टा है। आप फॉर्मूला भी देखेंगे मिरर लेंस का, तो उसमें उसमें क्या होता था, वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में आपने रखनी है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक एक करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, नॉर्मली जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब यू की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज का जो होगा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी डिस्टेंस को हम लोग जो है वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो है जो टर्मिनोलॉजी आपने वहाँ पे साइन कन्वेंशन जो आपने वहाँ पे यूज़ किया था, सेम साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, तो पहले तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लास्ट में एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम सारे इमेज फॉर्मेशन को नोटेट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो इमेज का फॉर्मेशन है वो है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे रखा जाता है। फर्स्ट तो पहला है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ पे रखा हुआ, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसकी हाइट जो है ए बी है और ये कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। हमें नहीं पता कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, लेकिन हमें ये पता है कि इसके सामने रखा हुआ है। अगर इसके सामने रखा हुआ है तो जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैलर आएंगी। कैसी आएंगी, पैलर आएंगी, पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें इसमें से केवल दो रेज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और वो दो रेज कौन सी होंगी, एक तो लोअर साइड की लिमिट होगी, एक अपर साइड की लिमिट होगी। मतलब एक रे ऐसी जो इसके फुट से आ रही है और एक जो एक ऐसी रे जो इसके हेड से आ रही है। तो हेड और फुट वाली जो आपके पास जो रेज है वही आपको चाहिए और उसी के बेसिस पे आप सारा डायग्राम बना सकते हो। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम जो है आपके पास दो रेज होनी चाहिए। तो आप देखिए, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, लेकिन हमें ये पता है कि इससे जो रेज आएंगी वो पैलर आएंगी। तो आने से के बाद आप जानते हैं कि जब भी पैलर रेज आती है, पहला रूल याद करिए, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर आती है तो वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट द फोकस। ये कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस पे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो एक बात यहां से समझ में आती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, आपका इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, एफ टू पे होगा। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक नोट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इट्स इमेज इज फॉर्म या इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ टू। मतलब कहाँ पे फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस पे क्या होगा, इसका इमेज का बनेगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसका जो इमेज होगा, क्योंकि रियल लाइंस मीट कर रही हैं रियल रेज में, इसलिए इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। कैसा इमेज होगा, रियल होगा। थर्ड ये हो सकता है कि इसका जो साइज होगा कैसा होगा, पॉइंट साइज हो सकता है। कैसा हो सकता है, पॉइंट साइज हो सकता है। कैसा हो सकता है, पॉइंट साइज हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसका कैसा हो सकता है, पॉइंट साइज हो सकता है, और या तो ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी पास है तो हो सकता है इसकी कुछ हाइट हो, तो ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड। तो या तो पॉइंट साइज होगा, मतलब वाइड साइज होगा, तो आप उसकी हाइट को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा और मिरर के लेंस के काफ़ी पास में है तो उसका जो इमेज होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये दो केस आप याद रखें, या तो आप पॉइंट साइज कह लीजिए या तो उसको आप इन्वर्टेड कह लीजिए। आई बात समझ में, तो इसका इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और इसका जो साइज होगा, साइज होगा फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं, स्मॉलर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म एट द एफ टू एंड इट इज़ द हाईली डिमिनिश्ड, दैट मीन यू कैन से दैट इट इज द वेरी पॉइंट साइज। मतलब ये क्या है, पॉइंट साइज में कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इसका इमेज यहाँ पे पहुंचा। तो ये पहला फिगर हमारा हो गया। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी को रेज करता हूँ, रेज करके मैं जो है इसी में क्या करता हूँ, आगे की बात को नोटेट करता हूँ। चलिए इसको मैंने रेज कर दिया, आप इसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इसको जो है फिर से बनाएंगे। चलिए मैं इसको रेज ही कर ले रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड 2F1। सो सेकेंड जो फॉर्मेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, राइट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, 2F1 के बियॉन्ड प्लेस किया। अब हमें पता है कि एग्जैक्टली वो एक्सिस के ऊपर होगा,
तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास F1 है, ये आपके पास 2F1 है, यहाँ पर जो बेटा F2 है और ये जो है 2F2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, बियॉन्ड, कहाँ पे रखा, बियॉन्ड 2F2। तो बियॉन्ड 2F2 रखेंगे तो पहली रे तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, और ये पहली रे जो होगी वो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। पहली रे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब दूसरी रे को आप कहाँ से भेजेंगे, तो याद रखना है कि दूसरी रे को हमेशा कहाँ से भेजेंगे, हम ऑप्टिकल पोल से भेजेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो देखिए दूसरी वाली रे को हम कहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और आप जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे जो होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे होती है वो हमेशा सीधी निकल जाती है। तो ये सीधी निकलेगी तो जाकर के कहीं यहाँ पे कट करेगी, अब यहाँ पे कट करेगी तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच में हो रहा है। कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, रियल है, राइट, और स्मॉल इन साइज है। जो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, इसका साइज होगा वो स्मॉल होगा। तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक को नोट करूँ, पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट या इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, सेकेंड हो सकता है कि ये कैसा होगा बेटा, ये रियल होगा। थर्ड हो सकता है कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, मतलब डिमनिस्ड, ज़्यादा छोटा नहीं होगा बट ये क्या होगा, डिमनिस्ड होगा। ठीक है, कैसा होगा, डिमनिस्ड होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये सेकंड फिगर हो गया। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, अब देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे वैसे वैसे इमेज जो होगा वो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। पहले जब आपने इसको इन्फिनिटी पे रखा था तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, F2 पे हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसको पास में आप लाते हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इमेज जो है वो दूर की तरफ जा रहा है और इसका नेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द, कहाँ पे रखा जाएगा, आप इसको अब इस बार कहाँ पे रख देंगे, 2F1 पे रख देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इसको जब 2F1 पे रखेंगे तो क्या होगा, तो मैं फिगर को फिर से ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बहुत अच्छे से कर पाएं। When object is placed at, when object is placed at 2F1, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रख रहे हैं, 2F1 पे रख रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखोगे तो बेटा उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ध्यान से समझना। ये आपके पास क्या है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द F1, दिस इज द 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जा रहा है, 2F1 पे रखा जा रहा है। दिस इज द F2 एंड दिस इज द 2F2, ये सबकी डिस्टेंस एक जैसी होगी, ध्यान में रखना है। तो पहली रे तो कैसे जाएगी, पैलर, और वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे को फिर से हमें कहाँ से भेजना है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजेंगे तो ये कहीं पर जा करके यहाँ पे कट करेगा, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 2F2 के पास में। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट, ये देखिए डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग करते हैं तो इन दोनों का जो है साइज होता बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द 2F1 देन इट्स इमेज इज फॉर्म एट द 2F2। जैसे आपने वहाँ पे याद किया था ना, कर्वेचर पे रखते तो कर्वेचर पे इमेज का फॉर्मेशन होता था, वो तो मिरर का केस था। लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात आप करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पे रखते हैं तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो 2F2 पे होता है। कहाँ पे होता है, 2F2 पे होता है। तो सिंपली हम लोग इसके नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला रियल इमेज होगा, कैसा होगा, रियल होगा। दूसरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2, कहाँ पे फॉर्म होगा, 2F2 पे फॉर्म होगा। 2F1 पे रखोगे तो कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। तीसरा जो हो सकता है वो कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। और फोर्थ जो होगा सेम इन साइज होगा, इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, साइज विल बी सेम, इसका जो साइज होगा कैसा होगा, सेम होगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रॉपर्टीज यहाँ से हमें पता चलती हैं कि ये जो होगा कैसा होगा, रियल होगा, कैसा होगा, इमेज फॉर्मेट 2F2 होगा जब आप इसे 2F1 पे रखेंगे, इसके बाद ये इन्वर्टेड होगा और इसका साइज जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग रखेंगे कहाँ पर, 2F1 और
2F1 और F1 के बीच में। तो आप देखेंगे कहाँ पे पहुँच जाएगा, बियॉन्ड 2F2 पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके पास थर्ड जो है केस हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे when object is placed between 2F1 and F1। ठीक है, हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस की। तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया इस तरह से, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और हम लोगों ने एक एक्सिस बना दी, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर पे ये जो पॉइंट होता है वो F1 होता है और यहाँ से जो पॉइंट होता है वो 2F2 होता है। सिमिलरली आप इधर की तरफ एज्यूम कर सकते हैं इस वाले कर्व के लिए। सो दिस विल बी F2 एंड दिस इज द 2F2। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, 2F2, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे F1 होना चाहिए, दिस इज द F1। सो अभी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। तो यहाँ कहीं रख देते हैं, तो पहली वाली रे तो ऐसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड बेंट टूअर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कन्वर्ज हो जाएगा, और ये कन्वर्ज होगा तो यहाँ से होकर के जाएगा। ठीक है, फोकस से होकर जाएगा। दूसरी वाली रे को हम लोग कहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, और जब ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम लोग भेजते हैं तो ये कहीं जाकर के यहाँ पे कट करता है। तो देखिए ये बियॉन्ड 2F2 क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं, 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल से कहाँ पे हो रहा है, आपका बियॉन्ड 2F2 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 के बियॉन्ड क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, इमेज कैसा होगा बेटा, रियल होगा, राइट। थर्ड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा। और जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ये लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इसका जो साइज होगा, मतलब इमेज का जो साइज होगा, तो आप लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास जो है, ये कौन सा केस हो गया, ये हमारे पास जो है थर्ड केस हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे F1 पर। कहाँ पे प्लेस करेंगे, F1 पर प्लेस करेंगे। तो आप देखते हैं उसका इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला केस देखते हैं, अगला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, मतलब आप सेकेंडरी फोकस पे आपसे प्लेस कर रहे हो। तो देखो, ये आपके पास कॉन्वेक्स, ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है बेटा F1 है, और यहाँ पे जो है 2F1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2F2 होगा। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रख दिया, F1 पे रख दिया, तो पहली रे तो पैलर जाएगी, और पैलर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और आप जानते हैं पैलर जाने वाली रे कहाँ से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। दूसरी वाली रे को आप कहाँ से भेजेंगे, आप इसे जो है ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों लाइन जो है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये जाकर के इन्फिनिटी पे कहीं कट करेंगी, और जहाँ पे कट करेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहला हम लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। दूसरा ये होगा कि कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, अगर मीट करेंगे तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा बेटा, रियल होगा। और तीसरा पॉइंट होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा कि इसका जो इमेज होगा वो इनलार्ज होगा, इतना बड़ा होगा कि आपको मेजर करने में दिक्कत होगी, राइट। सो ये क्या होगा, इनलार्ज होगा, इमेज होगा हाईली लार्ज होगा या हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखते हो, F1 पे रखते हो, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अब जो ये लास्ट वाला केस हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस
या कह सकते हैं F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में रखते हैं तो ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन हो जाती है, और ये स्पेशल कंडीशन है आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास की। आप लोग लेंस वगैरह यूज़ करते हैं ना, जब आपको कोई किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसके सामने रखते हैं तो वो बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी आपकी। चलिए देखते हैं लास्ट वाला केस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सो व्हेन, ये लास्ट केस है फिफ्थ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास सेकेंडरी फोकस है, ये आपके पास प्राइमरी फोकस है F2, और ये है 2F2, और यहाँ पे क्या है बेटा 2F1 है। अब ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पर हमने रख दिया, तो जब कहीं यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो पहली वाली रे तो पैलर गई और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से होकर के चली गई फोकस से, दूसरी वाली रेज कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर होने के बाद देखो ये दोनों लाइन जो है फैल रही है इस तरह से, ठीक है, कैसे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो अगर ये डाइवर्ज हो रही है दोनों लाइन्स तो कहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये हमें इसको पीछे की तरफ ड्रॉबैक करना पड़ेगा, और जब इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। आप थोड़ा सा और इसको ड्रॉबैक कर लीजिए, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये वो केस है जब आप लेंस को, जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको जब बहुत पास में आप रखते हैं तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा आप उसको दूर रखें तो वो छोटा छोटा दिखाई देगा। तो ये वो केस है, हम उसको पास में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है वो ऑब्जेक्ट उस लेंस के फोकस मतलब जो F1 है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, जैसे ही बीच में आएगा उसका इमेज जो होगा वो सेम साइड में बनेगा, जो है वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, आपको वो सीधा सीधा दिखेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से नेचर को आइडेंटिफाई करूँ, इसके नेचर को मैं लिखूँ, तो सबसे पहला इसका नेचर हो गया कि इसका जो इमेज होगा ये टूवर्ड्स द, मतलब जिस तरफ से रे आ रही है उधर की तरफ ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म टूवर्ड्स या इमेज फॉर्म टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर की तरफ क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा होगा बेटा, क्योंकि इसमें वर्चुअल लाइंस बन रही हैं इसलिए इसका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं ये हाईली लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन, इनलार्ज इन साइज, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, ये ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका साइज होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इसका जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। इसका इमेज जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही है, देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ और इमेज भी ऊपर की तरफ, तो इस तरह से इसका इमेज का फॉर्मेशन, इसलिए ये बहुत स्पेशल हो जाता है। और एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या है ये कंडीशन। तो इस तरह से ये जो आपने 5 रे डायग्राम्स बनाए और उसके लिए आपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक डिफाइन करी है, ये सभी चीज़ें जो है आपके के लिए यूज़ में आती हैं। और ये 5 फिगर्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपका ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और उससे जो है हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप उसमें देखें कि इमेज कहाँ बन रहा है, जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स वाले में टेबल बनाया था वैसे आप लोग जो है आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई होगी, उस टेबल को देखना है और उस टेबल को क्या करना है, बनाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ दैट, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग आगे बात करेंगे यूजेस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज़ है, सबसे पहले तो यूज़ हो गया कि इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास किसके लिए यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि हम लोग जो है इसको स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, जो गॉगल्स वगैरह आप लोग लगाते हैं तो हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, राइट, कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं टू करेक्ट द विजन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर माइपिया या हाइपर मायोपिया, ठीक है, या हाइपरमेट्रोपिया भी इसे कहते हैं, ठीक है, हाइपर
मायोपिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ जो है वो कैमरा बनाने के यूज़ में आता है। हम लोग इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे करते हैं, कैमरा। आप लोग जूम करते हैं, बड़ा बड़ा आपको दिखाई देता है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कैमरा बनाने में करते हैं। तीसरा इसका यूज़ ये हो सकता है कि जो वॉच मेकर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ में लाते हैं। दूसरा ये हो गया कि ये माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप बनाने के काम में आता है। आप लोग 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, या बायोलॉजी में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी चीज़ों को देखने के लिए, और टेलीस्कोप का मतलब टेलीस्कोप का यूज़ हम लोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी इसके यूजेस क्या क्या हैं, और किस तरह से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इसके लिए किस तरह से हम लोग इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है कि जो आपके पास कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। तो इसके लिए भी वही दो केसेस हैं कि जब कोई सी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग क्या करते हैं, डिफाइन पोजीशन पर रखते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग कॉन्केव लेंस को भी देख लेते हैं ताकि आसानी से हमारे समझ में आ जाए। तो हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस से हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो सिमिलर जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो सेम कंपोनेंट्स इसके भी होंगे। जो कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस जो होता है, मैं बार बार मिरर बोल रहा हूँ, आप उसे लेंस समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपके पास एक कॉन्केव लेंस है, ये कैसा लेंस है, दिस इज नोन एज द कॉन्केव लेंस। क्या कहते हैं इसे, हम कॉन्केव लेंस कहते हैं, या इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। इस कॉन्केव की खासियत ये होती है कि सेंटर में थिन होता है और कॉर्नर पे क्या होता है, थिक होता है। सेंटर में थिन होगा और कॉर्नर पे कैसा होगा, थिक होगा। इसका जो सेंटर होता है वो सिमिलरली जैसे वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस को देखने से पहले, सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स को हम लोग देखेंगे। रूल्स ये हैं, सबसे पहला रूल ये है कि वेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस। क्या हो जाता है, डाइवर्जेस। तो इसका मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये डाइवर्ज हो गई तो उसका जो फोकस होगा वो किधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो F1 होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये F1 होता है और यहाँ पे 2F1 होता है। इधर क्या होता है बेटा, इधर जो होता है आपके पास F2 होता है, ये क्या होता है, F1। इसका मतलब इसका जो फोकस होगा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। कॉन्केव का जो कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। मोस्टली आप लोग कंफ्यूज मिरर और लेंस में होते हैं, तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में आप रखिएगा कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये F1 जो होगा इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहला रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल सेज दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। मतलब हमें लगता है कि ये जो रे जा रही है, अगर इसको हम यहाँ आई लगा करके देखें तो हमें लगता है कि ये यहाँ से निकल करके आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। ठीक है, सो ये तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल आपका क्या कहता है, सेम सेकंड रूल कहता है, अगर आपके पास एक कॉन्केव लेंस है और कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगी, सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, दैट मीन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर द पासिंग थ्रू द लेंस। क्या होता है, लेंस से वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट में पासवर्ड हो जाता है। तीसरा जो है वो है अरे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। मतलब कि जो रूल्स आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पर देखते हैं आप। मान लीजिए आपके पास ये एक कॉन्केव लेंस है और एक रे है, ये देखिए ये फोकस है, तो एक रे है जो ऐसे आ रही है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, एक रे जो है वो ऐसे आ रही है किधर की तरफ, टूवर्ड्स द फोकस। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन बनाऊँ तो ये फोकस से की तरफ जाती हुई नजर आएगी, लेकिन जब ये आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर हो जाती है। कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर हो जाती है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि जो है किस तरह से इसमें इमेज का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब इसके सामने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए बस एक ही केस हमें स्टडी करना होता है। सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी वेयर। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो ये आपके पास जो है एक कॉनकेव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, तो पहली वाली रे तो ऐसे जाएगी और यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इसको आप पीछे की तरफ ड्रॉबैक करेंगे तो आपको फोकस मिल जाएगा। दूसरी वाली रे इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से होकर के जाएगी। दूसरी वाली रे जो है, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर इसका ये है, तो दूसरी वाली रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से होकर के जाएगी। और आप जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे कहाँ हो जाती है, सीधी निकल जाती है। अब ये आप ध्यान से समझिएगा कि ये वर्चुअल रेज है और ये रियल रेज है, ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कट कर रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो, इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा फोकस मतलब F1 प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के क्या होगा, बीच में बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे नोटेट कर देता हूँ पहला पॉइंट कि इमेज इज फॉर्म बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रिंसिपल फोकस और O के बीच में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हर समय होगा। दूसरा होगा, क्योंकि ये वर्चुअल लाइन कट कर रही है इसलिए इसका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा बेटा, वर्चुअल होगा। इसका इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब अगर ये वर्चुअल होगा और सीधा भी होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये भी होगी, ये वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। और ये तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ये ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये डिमिनिस्ड होगा। क्या होगा, डिमिनिस्ड होगा, डिमिनिस्ड। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा डिमिनिस्ड होगा, मतलब हमेशा जो है इसका साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हमें इसमें पढ़ने होते हैं और ये दो केसेस मतलब एक ही केस इसमें पढ़ना होता है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस F1 और जो आपके पास F1 है और ऑप्टिकल सेंटर O है, इन दोनों के बीच में इनका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई है। तो 5 उसमें डिस्कस करना है कॉन्वेक्स में, और एक जो है आपको किस में डिस्कस करना है, कॉनकेव लेंस में डिस्कस करना है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ये गारंटी है कि अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे गलत नहीं हो सकता। अगर गलत भी होगा तो आपकी पकड़ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए इसके ऊपर आप क्या करें, एक कमांड बनाएं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके भी यूजेस हैं अपने। भाई आप कहोगे सर इसमें तो एक ही रे डायग्राम हमने बनाया, लेकिन इसके भी क्या हैं, अपने यूजेस हैं। तो हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस में हम कह सकते हैं कि पहला जो यूज होता है, हम लोग जो है एक प्रॉब्लम होती है मायोपिया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज में। तो इसका यूज जो है वो मायोपिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मायोपिया। इसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी क्या कहते हैं। इसके बाद कॉनकेव लेंस का जो यूज़ होता है वो गैलीलियन टेलीस्कोप में होता है। दूसरा, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, टेलीस्कोप में भी। इसका भी यूज़ होता है, मतलब कॉन्वेक्स का भी यूज़ होता है और कॉनकेव का भी यूज़ टेलीस्कोप में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो यूज़ होता है वो हम लोग हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर। आप देखते हैं आपके दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है, उसमें एक लेंस लगा हुआ होता है, जब उसमें झाँक करके आप देखते हैं तो आसपास की सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो हम लोग इसका वाइड होल में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इसके यूजेस को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और लेंस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा लेंस फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा वेरिएट हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये मिरर से थोड़ा सा अलग होता है। तो लेंस फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जब आप 12th में जाएंगे तो उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/V - 1/U = 1/F, जबकि वहाँ पे क्या होता था, प्लस होता था। और साइन कन्वेंशन के लिए आप सारे साइन कन्वेंशन वही यूज़ करते हैं कि अगर आप रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, और रे की अपोजिट में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैग्नीफिकेशन। अब इसमें सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं, वी जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट है, एफ जो है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस की क्या है, लेंथ है। जो प्रिंसिपल फोकस होगा तो कॉनकेव के लिए क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें और एक बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन में बेटा क्या होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द इमेज। जैसे आप लोगों ने लेंस में पढ़ा था, हाइट ऑफ मिरर में पढ़ा था, वैसे हम लोग लेंस में पढ़ते हैं, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एस डैश अपॉन एच के क्या होता है ये डायरेक्टली, तो यम इज इक्वल टू होता है एस डैश अपॉन एच। और ज्योमेट्री से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है एस डैश अपॉन एच की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा वी अपॉन यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वी अपॉन यू के बराबर होती है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। जबकि जब आप लोग मिरर डिस्कस कर रहे थे तो मिरर में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता था यहाँ पे माइनस साइन लगा रहता था। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेंस में कोई भी माइनस साइन नहीं होता है, एम इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं मिरर के लिए, तो मिरर में यहां पर लग जाता था माइनस, तो माइनस वी अपॉन यू हो जाता। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, और इसमें हम लोगों ने जो है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस एंड यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस, और साथ में हम लोगों ने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला देखा। तो ये जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बार बार देखिए, रिपीट करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, तो साइन कन्वेंशन इसमें हम वही यूज़ करते हैं जो हम लोग मिरर के लिए यूज़ करते हैं, कि जब लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट में जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और बचे हुए जो टॉपिक है उसको उसमें क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।